गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के 426वें बलिदान दिवस के अवसर पर उनके शौर्य व वीरता को लेकर जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती समाधि स्थल नरई नाला से प्रशासन द्वारा मशाल दौड़ निकाली गई, जिसमें शामिल प्रशासनिक अमले ने मशाल थामकर भावरताल उद्यान पहुंचे, जहां विभिन्न कार्यक्रम के तहत संभागीय कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर भरत यादव, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित विधायक गण मौजूद रहे, जहां सर्वप्रथम पुलिस बैंड द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें याद करते हुए धुनें बजाई गई। वहीं उनकी शहादत को लेकर पुलिस जवानों ने बंदूकों से फायर सलामी दी। वहीं समस्त आला अधिकारियों ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संभागीय कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने बताया कि गोंडवाना साम्राज्य की रानी वीरांगना दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा, अपनी आनबान शान के लिए मुगल शासकों को नाकों चने चबा दिए। मुगलों को कई बार परास्त कर वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। आज हम सभी उनके शौर्य वीरता को अनुसरण करते हुए उनके पद चिन्ह में चलने का प्रयास कर रहे हैं। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती जी के आज बलिदान दिवस पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अपने शौर्य और पराक्रम से हमारे जबलपुर को गौरवान्वित किया है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जी सर, आज गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किया है। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि गोंडवाना राज्य की महारानी रानी दुर्गावती को हम सभी आज भी जो है याद करते हैं, उन स्मरण करते हैं और उनके बताए गए रास्ते पर हम चले और विकास में सहभागी बने। गोंडवाना राज्य की जो पहचान है, जगह जगह जो बिखरी हुई है, उस विरासत को भी हम संभालें। आज हम सभी लोग वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। जबलपुर शहर के लिए रानी दुर्गावती जी का जो किए गए काम है, आज शहर के सभी तालाब हों, भवन ताल तलैया हों और गोंडवाना राज की एक से एक ऐतिहासिक धरोहर जबलपुर शहर में है, जिसके साथ साथ रानी दुर्गावती की यादें जुड़ी हैं। मैं उन सभी लोगों को आज साधुवाद धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, जो सुबह सुबह बहुत जल्द आके रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पे सबने अपना अपना समय दिया, क्योंकि हमको इन सब की यादें सजो के रखना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए और हिंदुस्तान के नाम पे अपनी अपना खून बहा दिया। मैं उनको पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जबलपुर से कबीर खान की रिपोर्ट।